बॉस के घर में रिश्ते कब बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। बिग बॉस के पहले हफ्ते में जहां पवित्रा पुण्य और राहुल वैद्य के बीच में अच्छी खासी दोस्ती देखने को मिल रही थी, वहीं अब उनके रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बिग बॉस के घर में राहुल वैद्य और पवित्रा पुण्य के बीच में अभिनव शुक्ला को लेकर एक बड़ी लड़ाई देखने को मिली, जहां पर पवित्रा पुण्य ने राहुल वैद्य पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की है, ये कहकर कि उनका अभिनव शुक्ला पर क्रश है और इस तरीके की बातें करके वो उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। हालांकि राहुल वैद्य का कहना है कि उन्होंने क्रश वाली बात जरूर कही थी, लेकिन जिस तरीके से पवित्रा पुण्य इस बात को कह रही हैं, उनका ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था और यही वजह रही कि राहुल वैद्य ने पवित्रा पुण्य से माफी मांगने से भी इनकार कर दिया था। वहीं पवित्रा पुण्य इस बात को लेकर काफी हर्ट नजर आई और वो काफी रोती हुई भी नजर आई और इस पूरी लड़ाई में रुबीना दिलैक ने भी पवित्रा पुण्य को खूब सपोर्ट किया और बाकी घर वालों ने भी पवित्रा पुण्य को ही सपोर्ट किया और यहाँ पर राहुल वैद्य अकेले पड़े नजर आए। और इस पूरी सिचुएशन को देखकर भी ऐसा लग रहा था कि वीकेंड के वार पर भी राहुल वैद्य को ही इस बात के लिए अच्छी खासी क्लास लगने वाली है। हालांकि वीकेंड के वार पर बिल्कुल ही उलट देखने को मिलेगा। वीकेंड के वार पर पवित्रा पुण्य से सलमान खान ये कहते नजर आ रही हैं कि अगर आपको अभिनव शुक्ला पर क्रश है तो इतनी बड़ी बात कैसे हो गई, आपने इस बात को इतना गलत कैसे ले लिया। यानी कि साफ है कि सलमान खान यहाँ पर क्लियर करते नजर आएंगे कि राहुल वैद्य ने जो ये बात कही थी उनके कहने का कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था और जिस तरीके से इस बात को बाद में प्रेजेंट किया गया वो बिल्कुल ही गलत था, राहुल वैद्य के कहने का कोई भी गलत मतलब नहीं था। वैसे आपने भी इस एपिसोड को देखा होगा जब राहुल वैद्य पवित्रा पुण्य और अभिनव शुक्ला के बारे में कमेंट करते हुए कह रहे थे कि पवित्रा पुण्य खुद ही हमेशा कहती हैं कि उन्हें अभिनव शुक्ला पर क्रश है, तभी वो उन्हें बचा रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि राहुल वैद्य ने जो पवित्रा पुण्य के बारे में कहा था वो इंटेंशनली कहा था या फिर उनके कहने का कोई भी मतलब नहीं था, उन्होंने ये बातें सिर्फ मजाक में कही थी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल क्रिस क्रॉस इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।